जमान में लेफ्ट साइड पे सारा कमर्शियल आइटम लगी हुई है, जिसमें अल्बाइनोज, अल्बाइनो स्प्लिट, क्रीमिनोज, लुटिनो स्प्लिट, ब्लूज, पार ब्लू स्प्लिट, इनो, और मेरे राइट साइड पे यहाँ पे ओपलाइंस, ओपलाइन स्प्लिट, वेल फेलोज, पेल फेलोज और डाइल्यूट्स की वर्किंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुशामदीद। वतुइज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स माशाल्लाह फिट फाट होंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बर्ड्स एवरी हाफिज़ बर्ड फार्म आज मौजूद है फैसलाबाद के अंदर, HS एवरी के अंदर। HS एवरी हमारे बड़े ही प्यारे भाई हमज़ा शहबाज़ हैंडल कर रहे हैं। माशाल्लाह हमज़ा शहबाज़ भाई की इससे पहले भी हमने पूरे 1.5 ईयर पहले एक वीडियो बनाई थी। हमारे माशाल्लाह फैसलाबाद के बड़े ही अच्छे यंगस्टर हैं, माशाल्लाह हमारे बर्ड फेलो भी हैं। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस है लव बर्ड हॉबी के अंदर। जब हम इनके पास पहले मौजूद थे तो इनके पास सिर्फ 2 से 3 केजेस मौजूद थे वर्किंग बर्ड के लिए, जिसके अंदर ये 3 से 4 पेयरिंग कमर्शियल के कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इन्होंने माशाल्लाह कमर्शियल के अंदर भी बड़ा अच्छे वाला हाथ सेट किया है अपना, और वर्किंग बर्ड भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किए हैं। चले आएँ, आपको हमज़ा शहबाज़ भाई से मिलवाते भी हैं और उनकी एवरी विज़िट करते हैं और इनकी जो स्टेप बाई स्टेप की जो कहानी है वो भी आपसे शेयर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमज़ा भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा भाई मैं भी ठीक ठाक, माशाल्लाह आप सुनाएं। आपकी माशाल्लाह जो लव बर्ड की जर्नी है वो कैसी जा रही है? जी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जा रही है, मज़ा आ रहा है हॉबी का, शौक करने का। जैसा कि मैं आपकी वीडियो का इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले अपना एक प्रोमो दे चुका हूँ कि माशाल्लाह आपको, आपकी हमने एक 1.5 ईयर पहले एक वीडियो बनाई थी हमने, जिसके अंदर मेरे ख्याल से आई थिंक आपके पास 12 पेयर थे माशाल्लाह। जी जी, और अब जो कि माशाल्लाह देखें तो 36 पेयर हो चुके हुए हैं। बिल्कुल, अब तो आपने माशाल्लाह एक प्रॉपर एवरी बना ली है। जी जी, इसे आप कंट्रोल शेड भी कह सकते हैं। हाँ जी, थोड़ी सी ये जर्नी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। बस जी, ये स्टार्टिंग के 12 पेयर्स थे मेरे माशाल्लाह, उसी में से जो मैंने ब्रीड लेके उसी में से आगे पेयर्स एक्सटेंड किए हैं माशाल्लाह। कुछ अपनी होम ब्रीड थी, कुछ बाहर से लेके फिर आउट क्रॉस में पेयर लगाए हैं, तो माशाल्लाह 36 हो गए हैं। उसमें मेरे पास मतलब कमर्शियल आइटम से लेके ओपलाइन, पेल फेलोस तक, डाइल्यूट्स तक सब कुछ ही है। अच्छा, तो मतलब एक एज अ स्टूडेंट होते हुए जी आप सेटिस्फाई हैं, इसकी जो इनकम आपको होती है लवबर्ड से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह, पॉकेट मनी भी निकल आती है, शौक भी साथ हॉबी भी हो रही है, हॉबी भी हो रही है। अब तो पॉकेट मनी से बातें बहुत ऊपर चले जा चुकी हुई हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो जो भी आपने ब्रीड आई थी जी, वो आपने अपने लिए भी रोकी है, सेल अपग्रेडेशन भी की है और सेल भी की है, और बर्ड और भी लिया है आउट क्रॉस करने के लिए। जबरदस्त। तो माशाल्लाह अब आप किन किन बर्ड्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं? अभी क्रीमिनो वगैरह, अल्बाइनो, पार ब्लू स्प्लिटिनो, अल्बाइनो स्प्लिट्स, ये सारी कमर्शियल आइटम है, सारी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है कम्प्लीट। जबरदस्त। इसके बाद जो आपका ऑफलाइन है, हर कदर में अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ है माशाल्लाह, हर कदर की वर्किंग है। फिर ऑफलाइन पेल फेलोज की वर्किंग है माशाल्लाह, सिंपल पेल फेलोज है, स्प्लिट पेल फेलोज है, फिर डाइल्यूट्स की वर्किंग है। हम सब ये बता 36 पे रहे हैं जी, लेकिन 36 के अंदर ही आपने ये सब कुछ मैनेज किया? 36 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सब मैनेज हुआ है माशाल्लाह। बताने के तो आप 36 से ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो मैनेज आपने किया है वो 36 के अंदर। ये भी आप देखेंगे तो आपको सब नजर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत दे। अच्छा, तो इसलिए एक शॉर्टली मैं एक कहूँगा कि इंटरव्यू करेंगे हम, हमारे व्यूवर्स को ये लाजमी बताइएगा कि जो हमारे जैसे यंगस्टर स्टूडेंट हैं जो आना चाहते हैं इस हॉबी के अंदर, वो जी जी किस चीज़ को पहले मद्देनजर रख के फिर इस हॉबी के अंदर आए? देखें जी, जिसने लवबर्ड रखने हैं उसको पहले लवबर्ड का शौक होना चाहिए। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे ज़रूर हैं लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो बर्ड्स लगा लेते हैं, इसके बाद वो डिसाइड हो जाते हैं जब उनके बर्ड सेल नहीं होता। तो इसमें पहला असूल है आपके पास सब्र होना चाहिए इस हॉबी में, उसके बाद आपका शौक होना चाहिए। आपको लवबर्ड का क्रेज़ होगा तो आप लवबर्ड रख सकते हैं, अदरवाइज आप जिनका बर्ड सेल नहीं होगा वो डिसहार्ट होकर हॉबी छोड़ देते हैं। जी वो जैसा कि माशाल्लाह आपने हमज़ा शहबाज़ भाई की माशाल्लाह बातें सुनी सारी, माशाल्लाह 2 and 3.5 ईयर से ये माशाल्लाह लवबर्ड ब्रीड करवा रहे हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके के साथ लवबर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, और उससे कह लें कि एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स ऑफ इनकम यूज़ कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। और चले आएँ, हम आपको हमज़ा भाई का सेटअप विज़िट करवाते हैं, और इसी के साथ जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमज़ा भाई हमें हमारे व्यूवर्स को सेटअप विज़िट करवाएं। चलें जी। जी हमज़ा भाई माशाल्लाह, सबसे पहला जो आपका वाइट डायमंड का पेयर जो इस वक्त ऑन पीक और ऑन हॉट डिमांड बन चुका हुआ है। जी मान भाई, अल्बाइनो रेडस का पेयर माशाल्लाह से, ये ब्रीडर पेयर है अपना। तो हमज़ा भाई ये पिछले साल का पेयर है कि इस साल का पेयर है आपका? ये पिछले साल का पेयर है, ब्रीडर पेयर है। तो हमज़ा भाई इसकी ज़रा बताएं कि रिजल्ट क्या है इसका माशाल्लाह? इसकी एवरेज माशाल्लाह 4 से 5 की है क्लच की।
और फर्टिलिटी बेहतरीन, इसकी एवरेज बता रहा हूँ आपको 4 से 5 जबरदस्त। साथ में ये अल्बाइनो रेडिस की फीमेल है और इसके साथ लुटिनो स्प्लिट ब्लू का मेल है, तो इसमें से मेरे पास लुटिनो स्प्लिट ब्लू भी आते हैं रेडिस में और अल्बाइनो रेडिस भी आते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह, आपके बर्ड्स के साइजेस बड़े जबरदस्त हैं माशाल्लाह, अल्बाइनो के और आपकी पर्सनाटास के। जी जी जमान भाई, अगेन अल्बाइनो रेड टू रेड पेयर अल्बाइनो रेडिस का माशाल्लाह, तो इसकी भी सेम एज इट इज एवरेज वही है, सेम एवरेज है जबरदस्त माशाल्लाह। और इसके पीछे फिर अल्बाइनो वाइट डायमंड और साथ में स्प्लिट नजर आ रहा है मुझे जी, इसमें ब्लू पेस्टल स्प्लिट इनो बर्ड है जो ब्लू टू है जबरदस्त, और साथ इसके अल्बाइनो रेडिस की फीमेल है माशाल्लाह। तो हमजा भाई, ये क्रीमिनो इसमें से या तो क्रीमिनो आएगा या पार ब्लू पेस्टल इनो आएगा, पार ब्लू पेस्टल इनो आएगा जबरदस्त, अगर ब्लू टू आपका कंफर्म कर गया तो जी। ये इस बार फर्स्ट टाइम ब्रीड ले रहे हैं आप इनसे जी? इस मान में इसमें पार ब्लू स्प्लिट इनो की फीमेल है और अल्बाइनो रेडिस का मेल है, ये मेरा फ्रेश पेयर है, मतलब ये साल ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा। अच्छा हमजा भाई, मतलब माशाल्लाह आपने वर्किंग बर्ड के साथ साथ आपने अल्बाइनोस को नहीं छोड़ा है। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है जी आपके साथ, जबरदस्त। तो ये भी इस पेयर के बारे में भी डिफाइन करते जाइए कि कौन सा पेयर है आपका। ये अगेन ब्लू पेस्टल स्प्लिट इनो पॉसिबल ब्लू टू का मेल है और साथ अल्बाइनो रेडिस की फीमेल है, जबरदस्त। तो मतलब ये भी आपके पास फर्स्ट टाइम ही ब्रीड करेगा, ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, चलिए अल्लाह पाक इसको भी आपके पास ब्लू टू साबित करेगी जी इंशाल्लाह। ये मानता है इसमें अल्बाइनो रेडिस का मेल है और अल्बाइनो स्प्लिट इनो की फीमेल है, जबरदस्त। तो इसकी एवरेज क्या रही है आपके पास? ये फ्रेश पेयर है, मतलब ये फ्रेश फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा सर, जबरदस्त। समझा भाई, मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि आपने बॉक्सेस इंस्टॉल कर दिए हुए हैं जी जी, ये बस अभी इनको 3-4 दिन हुए बॉक्सेस लगाए हुए को, सही। तो नेस्टिंग इनको भी नहीं दी, वो 1 वीक तक देंगे नेस्टिंग इनको, सही। इस जमान भाई, ये क्रीमिनो की फीमेल है माशाल्लाह और साथ अल्बाइनो का मेल है, जबरदस्त। मतलब कि आपने पेयरिंग के अंदर इस दफा इजाफा किया है कमर्शियल पेयरिंग के अंदर। हाँ जी जबरदस्त, इससे पहले जो हमें आपके पास क्रीमिनो नजर नहीं था आ रहा जी जी, ये क्रीमिनो के कुछ और पेयर भी हैं, साथ भी क्रीमिनो लगा हुआ है, सेम अल्बाइनो रेडिस इनटू क्रीमिनो जी। हमजा भाई, जैसा कि आप बता रहे थे कि साथ भी क्रीमिनो इनटू अल्बाइनो की आपने वर्किंग की है रेडिस की जी, जमान भाई इसमें क्रीमिनो का मेल है और अल्बाइनो रेडिस की फीमेल है, जबरदस्त माशाल्लाह। मतलब कि आपने ये दो वर्किंग की हुई है इसकी जी, जबरदस्त। जमान भाई, ये वायलेट पार ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट पॉसिबल स्प्लिट ऑफ नाइन का मेल है माशाल्लाह और साथ वायलेट यूविंग डाइल्यूट की हैन है, जबरदस्त। ये आपकी मुझे लगता है एवरी के अंदर नई एंट्री है माशाल्लाह बर्ड्स की जी, ये नया पेयर है, जबरदस्त। मतलब कि पार ब्लू ओपलन डेल्यूट की वर्किंग के लिए आपने किया हुआ है। हाँ जी जबरदस्त माशाल्लाह जी। जमान भाई, इसमें वायलेट पार ब्लू ऑपलाइन की फीमेल है और उसके साथ ग्रीन स्प्लिट ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू टू का मेल है माशाल्लाह। इसमें जो बर्ड ब्लू सीरीज में आता है, ब्लू ऑपलाइन आ गया, वायलेट ऑपलाइन आ गया, स्प्लिट ऑपलाइन ब्लू में आ गए, वो कन्फर्म ब्लू टू आते हैं माशाल्लाह। तो हमजा भाई, लोग तो यार ऑफलाइन से कह रहे हैं कि ऑफलाइन गया गया, लेकिन आपने तो माशाल्लाह वर्किंग काफ़ी बढ़ाई हुई है ऑफलाइन की। बस जी, क्वालिटी की बात है, सब जिनके पास क्वालिटी अच्छी नहीं थी वो इस साल उन्होंने देखा है कि उनको रिस्पांस नहीं आया अच्छा, सही। लेकिन जिनके पास क्वालिटी थी उनका बर्ड बिका जबरदस्त। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। हाँ जी। अच्छा तो हमजा भाई, माशाल्लाह आपने केजेस का क्या साइज़ दिया हुआ है और बॉक्सेस का क्या साइज़ दिया हुआ है आपने? केजेस का साइज़ मेरा वही स्टैंडर्ड चलता है, 2.5x1.5x1.5 का, और बॉक्स का साइज 8x10x8 जबरदस्त। वायलेट पेल फेलो की फीमेल है और इसके साथ डीप ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है, जबरदस्त। तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा आपको? इसमें स्प्लिट पेल फेलोस भी आएंगे और ऑफलाइन पेल फेलोस भी आएंगे, सिंपल पेल फेलोस भी आएंगे, जबरदस्त। तो हमजा भाई माशाल्लाह, ये आपने किस करके वर्ड परचेज किया माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त और बहुत ही प्यारा साइज है फीमेल का माशाल्लाह जी। ये हमारे प्यारे भाई है राना अहमद भाई, उनसे लिए फीमेल माशाल्लाह, और मेल मेरी अपनी होम ब्रीड है जबरदस्त। और ये फीमेल जो है टर्क्वेस पर्सनाटा ब्रीडर है एक जी जी विकास के नाम से ना जी जी, ये उसकी मतलब कह लें कि उसकी ब्लड लाइन से ये फीमेल है, जबरदस्त। इसमें मेल वायलेट स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और साथ ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की हैन है माशाल्लाह। तो आपने स्प्लिट टू विजुअल की वर्किंग की हुई है? जी मैंने स्प्लिट टू विजुअल की है, स्प्लिट टू विजुअल में आपको रिजल्ट भी अच्छा आता है क्वालिटी वाइज भी, और मोर्टैलिटी रेशियो भी अच्छी आती है, मोर्टैलिटी रेशियो भी कम हो जाती है, जबरदस्त। और मतलब कि देखा जाए तो सबसे बेस्ट पेयरिंग ही है मेरे ख्याल से स्प्लिट टू विजुअल है, जबरदस्त। मतलब किसी भी अच्छे ब्रीडर को देखेंगे उसने स्प्लिट टू विजुअल की वर्किंग की होती है, बिल्कुल ऐसी है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा साइज है और बहुत ही अच्छी फिशी मास्किंग के अंदर आपका बर्ड है जी। जमान में ये मिस्टी पेल फेलो ऑफलाइन की वर्किंग है, इसमें ब्लू मिस्टी स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और साथ डी ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू वन ब्लू टू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है माशाल्लाह।
तो ये आपका इसी साल की वर्किंग अपेयर है? जी मेरा इस साल की वर्किंग अपेयर है। चलिए अल्लाह ताला इसमें भी आपको रिजल्ट अच्छा दे दे। इसमें ग्रीन स्प्लिट अप्लायंस स्प्लिट वेल फेलो स्प्लिट ब्लू वन ब्लू टू का मेल है माशाल्लाह, और साथ डीप ब्लू स्प्लिट वेल फेलो भी शामिल है। जबरदस्त, मतलब कि आपने स्प्लिट टू स्प्लिट पेल फेलो की वर्किंग की हुई है। जी पेल फेलो में ज़्यादा पेयरिंग मैंने स्प्लिट टू स्प्लिट की है माशाल्लाह। तो इसमें क्या चांसेस होंगे आपने हमजा भाई? इसमें जो ब्लैक आई बर्ड आएगा वो पॉसिबल पेल फेलो का स्प्लिट होगा। जबरदस्त, और जो विजुअल आएगा तो फिर तो विजुअल ही होगा। विजुअल ही होगा, और इसमें ऑफलाइन पेल फेलो का चांस भी होगा। जबरदस्त, ग्रीन स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू वन ब्लू टू का मेल है माशाल्लाह, और साथ पार ब्लू मिस्टी स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। जबरदस्त, मतलब मिस्टी भी इसके अंदर आपने इंक्लूड की हुई है एक्स्ट्रा। जी जबरदस्त, इसके रिजल्ट के बारे में बताते जाए थोड़ा सा भाई। इसमें जो ब्लैक आई बर्ड आएगा मिस्टी में या सिंपल या ऑफलाइन में वो पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो होगा माशाल्लाह। इसके अलावा इसमें पेल फेलोज आएंगे जबरदस्त, ऑफलाइन पेल फेलोज आएंगे, मिस्टी ऑफलाइन पेल फेलोज, मिस्टी पेल फेलोज, ये सब इसमें आएंगे। जबरदस्त, अल्लाह ताला इसमें आपको मजीद बरकत दे। जी जी वो जैसा कि आपको माशाल्लाह हमजा भाई से मिलवाया भी, हमजा भाई के माशाल्लाह जो एवरी अपग्रेडेशन इन्होंने की है माशाल्लाह उसको भी दिखाया, जो भी इन्होंने पेल फेलो की वर्किंग इंक्लूड की है जिसके अंदर इन्होंने माशाल्लाह बड़े बड़े क्वालिटी के वर्ड्स लगाए हैं, अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आपको हमजा शहबाज भाई हमारे कैसे लगे हैं, उनकी एवरी कैसी लगी है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।